छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर में नक्सलियों से बातचीत की और दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पुनर्वास नीति सुझाव के लिए ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी किया है, जिसमें माओवादियों से कहा कि बस्तर में शांति और विकास चाहते हैं तो बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में लौटें और वे स्वयं बताएं कि उनके अनुसार पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वार्ता के सारे रास्ते खुले हैं और इसके लिए हमारी भाजपा की विष्णुदेव सरकार समानता और विकास का एक वातावरण तैयार कर दिया है और ये बात भटके हुए युवा समझ रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उनके अनुसार पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए ताकि मुख्य धारा में जुड़कर प्रदेश और देश के विकास में भागीदारी दे सके। पुनर्वास नीति के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं ये बताएं। मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने स्थान को इस काली छाया से मुक्त कराएं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं इस दिशा में जो अच्छा हो सके, कोई और नया नक्सली ना बने, पुराने जो है वो सरेंडर करें और अच्छी जीवन जिए। पुराना जो है उनके मन में कहीं कोई भाव ये ना रहे कि यह जल जंगल जमीन खत्म कर दिया जाएगा क्या, लूट लिया जाएगा क्या, ऐसे नहीं है भैया। हाँ, आगे जो चल रहे हैं सो तो चल रहे हैं। अभी सड़कें, अस्पताल, स्कूल सब गांव-गांव पहुंचे, अच्छी व्यवस्था खड़ी हो, बस्तर अच्छा हो जाए, यही प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के लिए हम लोग घूम रहे हैं। यही काम करने के लिए पूरी सरकार लगी है। अभी भी अच्छी पॉलिसी है, भाजपा ने फॉर्म किया था, कुछ रिफॉर्म कांग्रेस ने किया, अभी फिर से और हम रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबसे मैं सुझाव आमंत्रित करता हूं, मैं बस्तर के सारे साथियों को एक लिंक भी कर दूंगा जिसमें आप गूगल फॉर्म पे सबमिट करके भेज सकते हैं।